खाद्य व्यापारी की लूट के विरोध पर हत्या करने वाले बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। व्यापारी की हत्या करने वाले दो बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल। घायल हालत में दो बदमाशों को किया गिरफ्तार। एसपी यमुना प्रसाद और एएसपी सहित कई थानों का पुलिस बल मौके पर। तीसरे फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग जारी है। पिछले दिनों सरेआम बाइक सवार चार बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर व्यापारी की गोली मारकर की थी हत्या। चंदौसी कोतवाली इलाके के बुधनगर खंडवा रोड की घटना हुई है। ये किस संदर्भ में हुई है? ये व्यापारी जो है मतलब ये किस मामले में है? क्या वांछित है? क्या मामला? दो अपराधियों के बारे में सूचना मिली थी कि वो बुधनगर खड़वा मार्ग पे आ रहे हैं, जिसमें घेराबंदी की गई और इसके बाद इन लोगों ने पुलिस पार्टी पे फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ और एक काउंटर फायरिंग में दो अपराधी घायल हुए। पूछताछ में पता चला कि ये एक अपराधी का नाम संतोष मौर्य और दूसरे का महेंद्र है। ये फैजगंज बेहटा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि 30 तारीख को जो व्यापारी के साथ लूटपीट मर्डर हुआ था, उसमें ये दोनों अपराधी शामिल थे। इन्होंने वही घटना कारित की थी। अभी तीनों घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया है और इनका उपचार कराया जा रहा है। इनके क्रिमिनल इतिहास भी हैं, इनका पता किया गया है कई थानों से। इनके लगभग एक दर्जन आपराधिक इतिहास है और बाकी इनके बारे में और जानकारी की जा रही है। इनके साथी भी कुछ थे जिनके बारे में अभी पूछताछ जारी है और लगातार इस क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है इनके भागे हुए साथियों के बारे में। और इस क्षेत्र में जितने लोग हैं सभी को लगाया गया है। यहाँ पे इंस्पेक्टर चंदौसी, हमारी स्वाट टीम, एडिशनल एसपी, सीओ सभी मौके पे मौजूद हैं। सभी लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं क्षेत्र में भ्रमण सील रह करके। जो जितने भी अपराधी हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठे की जा रही है और ये अपराधी जो वहाँ से आए हैं फैजगंज बेहटा बदायूं से, इनके बारे में और भी पुख्ता सूचना इकट्ठा की जा रही है। सर, ये रंजन लूट का मामला था या रंजन हत्या का मामला? ये लूट का बेसिकली इन लोगों ने जैसा बताया अभी पूछताछ में, प्रथम दृष्टया बताया, अभी गहन पूछताछ बाकी है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये एक व्यापारी जो खाद व्यापारी था उसके बारे में रेकी किया इन लोगों ने और वो पता चला कि ये 4-5 लाख रुपए ले करके व्यापार करके जाता है वहाँ से। 3-4 दिन से रेकी कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने एक निश्चित स्थान पे चिन्हित करके घटनाकारी किया, उसके साथ लूट किया और लूटने के बाद इन्होंने छीना झपटी में उस पर फायर किया, जिसमें जो मृतक है राम अवतार उसकी मृत्यु हो गई और उसका बेटा जो है विशाल उसने इनको बैग दे दिया था। उसके पास बैग था जिसको इन्होंने लूट लिया था। वो बैग भी बरामद हुआ है और उसमें रखी हुई पॉस मशीन और उसके कागजात, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं मौके पे। अभी इसके बारे में विधिक कार्रवाई की जा रही है।